यहाँ से डायरेक्टली स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद ये वाला जो आप लोग को प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है, सिंपल इसके ऊपर आप लोग को टैप करना है। देन आफ्टर आप लोग का जो भी ओरिजिनल फोटो होगा ना, तो सिंपल आप उस ओरिजिनल फोटो को ले लेना। ओके, जैसे कि ये वाला मेरा ओरिजिनल फोटो था। ओके, तो यहाँ पर हमारे फोटो के अंदर जो है थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटी दे देंगे। तो सिंपली टूल वाले आइकॉन पर चले जाते हैं एंड यहाँ से आप लोग को डिटेल वाले आइकॉन पर आप लोग को चले जाना होगा। एंड आप लोग यहाँ से क्या करना, शार्पनिंग को हल्का सा आप लोग को 50 के अराउंड रख देना है, 50 के करीब रख देना। ओके, उसके बाद आप लोग को राइट वाला आइकॉन पे जो आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को अगेन टूल वाले आइकॉन के अंदर आप लोग को चले जाना होगा एंड यहाँ से ऊपर के साइड में आप लोग को दिख रहा होगा ट्यून इमेज। तो सिंपल इस पर आप लोग को टाइप करना है, ब्राइटनेस को हल्का सा आप लोग को 50 कर देना है एंड क्या करना है, सेचुरेशन को भी हल्का सा आप लोग को 15 के आसपास रख देना है एंड हाईलाइट को भी हल्का सा आप लोग को 50 के करीब रख देना एंड शैडो को भी हल्का सा इंक्रीज कर देना। उसके बाद आप लोग को नीचे के साइड में राइट का आइकॉन दिख रहा होगा, सिंपली राइट वाला आइकॉन पे आप लोग क्लिक कर देते हैं। जब क्लिक करते हैं ना, तो उसके बाद आप लोग को ये वाला आइकॉन दिख रहा होगा, इस वाले आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को व्यू एडिट पे यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को ये जो आप लोग को तीर दिख रहा है तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके आप लोग क्या करना, बीच वाले आइकॉन पे आप लोग को चले आना है। ओके, सो इसके बाद आप लोग का ये देख सकते हो, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हो तो बिफोर आफ्टर हो जाता है। ओके, सो अगर आप लोग को एक और मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग जब इसे ऊपर करते हो तो ये 100 होगा जब हमारा फेस के ऊपर लाइट आएगा, जब इसे लो करते हो ना तो हमारा फेस का जो बिफोर आफ्टर होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसे मैं कर देता हूँ तो नहीं हो रहा है। ओके, जैसे मैं राइट वाला आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो 100 हो गया, जैसे मैं राइट वाला आइकॉन पे क्लिक करता हूँ 0 हो गया। ओके, सो आप लोगों को क्या करना है, अपने फेस को जो है जूम करके अपने फेस के ऊपर सिर्फ इसे चला लेना है। ओके, देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैं फेस जो है वाइट कर रहा हूँ। ओके, तो सिर्फ इतना सा प्रोसेस आप लोग को क्या करना है, करते रहना है। तो मैं जब तक ये कर रहा हूँ ना, जब तक आप लोग को क्या करना है पता, जब तक आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप लोग फोटो रिलेटेड से, फोटो एडिटिंग से, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो आप लोग क्या करना, फटाफट मेरे चैनल को जो आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, सो देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से कितने कम समय के अंदर ही मैंने अपने फेस को जो है ऑलमोस्ट जो है वाइट कर लिया हूँ। ओके, देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों, सो जितना हो सके ना उतने आराम से आप लोग को भी अपने फोटो के अंदर टाइम देना होगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो इतना सा काम होने के बाद आप लोग को नीचे वाले आइकॉन पे आप लोग को दिख रहा होगा राइट वाला आइकॉन, तो सिंपल इस वाले आइकॉन पे आप लोग जब क्लिक कर देते हो ना तो उसके बाद हमारा लिप्स जो है रेड नहीं है, तो सिंपल उसके लिए अगेन आप लोग को टूल वाले आइकॉन के अंदर चले जाना होगा एंड सेम प्रोसेस आप लोग को करना होगा, ट्यून इमेज पे आप लोग को चले जाना होगा। इस बार आप लोग को सैचुरेशन जो है फुल कर देना होगा, मतलब आप लोग को 50 के करीब रख लेना होगा। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इस वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा एंड ऊपर जाने का आप लोग को क्या करना है पता है, व्यू एडिट्स वाले आइकॉन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाले तीर जो अगेन आप लोग को इस वाले आइकॉन पे चले जाना होगा एंड बीच वाले आइकॉन पे आप लोग को चले आना होगा। ओके, सो इस बार आप लोग को क्या करना है पता है, आप लोग को सिंपल इस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है एंड जस्ट सिर्फ इसे अपने फेस के ऊपर से जो है हटा लेना है, फेस के ऊपर से आप लोग को क्या करना है हटा लेना है। ओके, ताकि हमारे कपड़े के ऊपर, हमारे चश्मे के ऊपर, हमारे लिप्स के ऊपर जो है हल्का सा चमक रह जाए, सिर्फ अपने फेस के ऊपर से क्या करना है इसे हटा लेना है हल्के से काम करके। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बात को समझ ही सकते हो। ओके, देख सकते हो मैं किस टाइप से हटा रहा हूँ, उसी टाइप से अगर आप लोग भी हटाते तो कुछ इस टाइप का आप लोग भी जो है सी भी फोटो एडिटिंग कम समय में ही सीख लोगे। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग को वीडियो समझ आ ही रहा होगा। सो देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर कर लिया है। देन आफ्टर आप लोग को क्या करना है पता है, यहाँ से राइट वाले आइकॉन के अंदर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, हल्का सा इस वाले आइकॉन पर आप लोग को टैप कर देना है। उसके बाद आप लोग को अगेन क्या करना है, यहाँ से टूल वाले आइकॉन के अंदर आप लोग को चले जाना होगा। हल्का सा फेस स्मूथ करने के लिए पोर्ट्रेट वाले आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा, कुछ सेकंड से यहाँ पर लोडिंग लेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कॉम्बो 1 दिख रहा होगा, तो सबसे पहले तो मैं सबको 0 कर देता हूँ यहाँ से। तो स्किन स्मूथनिंग को आप लोग को क्या करना है, 100 कर देना। ओके, आई क्लैरिटी को भी आप लोग को 50 कर देना। ओके, देन आफ्टर आप लोग को मैं दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हो आप लोग बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। एंड हमारे बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए सिंपली आप लोग को क्या करना होगा, या नीचे के साइड में आप लोग को दिख रहा होगा एक्सपोर्ट का आइकॉन, तो सिंपल इस पर आप लोग जब दाबते हो ना तो उसके बाद सिंपल इस शेयर वाला आइकॉन पे आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो कुछ सेकंड लोडिंग लेने के बाद तो डायरेक्टली इस फोटो को आप लोग को अपने
फोटो रो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो आप लोग को भेज देना है। ओके सो इतना सा काम करने के बाद आप लोग का जो फोटो है ना वो कटआउट होना चालू हो जाएगा। ओके सो यहाँ पर फोटो कटआउट होने के बाद कुछ सेकंड्स आप लोग को क्या करना है, वेट कर लेना है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सो नीचे के साइड में आप लोग ये जो तीसरा नंबर दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंट का आइकॉन, तो सिंपल उस पर आप लोग जब क्लिक करते हो ना तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा बैकग्राउंड का आइकॉन। सिंपल ये बैकग्राउंड वाले आइकॉन पर आप लोग क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा इमेज का आइकॉन। तो सिंपल इस पर आप लोग को जब क्लिक करते हो ना तो आप लोग को एक बैकग्राउंड मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली वो वाला बैकग्राउंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वो वाला बैकग्राउंड था मैं ले लेता हूँ। तो कुछ सेकेंड्स यहाँ से वेट कर लेना दोस्तों, तो सिंपली वो वाला मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ओके सो देख सकते हो यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड जो है वहाँ पर लग चुका है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो। तो सिंपली आप लोग को क्या करना, ऊपर वाला आइकॉन पे आप लोग को क्लिक करके तो सिंपली यहाँ से आप लोग को क्या करना होगा, एक्सपोर्ट वाला आइकॉन पे आप लोग को जो है क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि हमारा फोटो किस टाइप का सेव हो चुका है। सो देख सकते हो आप लोग, जिस टाइप का आप लोग को मैंने थंबनेल में बताया था उसी टाइप से आप लोग को मैं फोटो एडिटिंग करके बता चुका हूँ। मिलते हैं और किसी वीडियो में, जब तक बाय।